राज्य के कई शहरों में जनता के सहयोग के लिए बनी सिटी बस दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में अमृतसर में अकाली दल भाजपा सरकार के एक और प्रोजेक्ट बंद हो गया है। दरअसल आम जनता को फायदे के लिए जिले के अंदर चलने वाली सिटी बस प्रशासन तथा ऑटो चालकों की गुंडागर्दी के कारण बंद हो गई है, जिसके चलते अमृतसर के 32 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली 60 बस दम तोड़ गई हैं। इस मामले में कंपनी तथा नगर निगम आमने सामने हो गई है तथा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अमृतसर में चलने वाले नजायज ऑटो इसके खलनायक हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए कंपनी के मैनेजर का कहना है कि शहर में अवैध ऑटो की संख्या 15,000 से भी पार हो चुकी है, जिस कारण वह उनकी बस को चलने नहीं देते और इस संबंध में वह विभाग को भी पत्र लिख चुके हैं। जो अमृतसर शहर में कम से कम 525 इलीगल ऑटो चलना चाहिए, अभी कम से कम इधर 15,000 से ज़्यादा इलीगल ऑटोस चल रही है। हमारा बहुत प्रॉब्लम है कि इलीगल ऑटोस, हमारा ट्रिप नहीं होता है, इसके लिए हम तो बहुत घाटे में जा रहे हैं। हम डिपार्टमेंट को 3 साल से बोलते आ रहे हैं कि हमारा रूट में तो इलीगल ऑटोस बंद करो, वो नहीं कर रहे, इसके लिए हम बहुत घाटे में चले गए। कम से कम 2 करोड़ आसपास हमारा घाटा हो गया, इसके लिए अभी हमारा बस चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर। अभी कुछ नहीं, अभी गाड़ी थोड़ी बंद है, हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस कर रहे हैं और मीटिंग के लिए हम मेल भी डाला हुआ है डिपार्टमेंट को, जल्दी जल्दी मीटिंग हो जाएगा, उसके बाद में हमने तय करना है कि गाड़ी चलाना है कि नहीं चलाना है, उसके बाद में हम तय करेंगे। तो BRTS एक्चुअली सर वो नया प्रोजेक्ट है BRTS का, उन लोग का है कि BRTS का प्रोजेक्ट है कि जल्दी स्पीड देना है, इसके लिए उन लोग ने 500 मीटर के लिए कितना एक करोड़ खर्चा करके उन लोग ने किया है। हम लोग यही बोलते हैं कि वही स्पीड में हम सिटी बस चलाएंगे, हमारा रूट में इलीगल ऑटो बंद करेगा तो उससे ज़्यादा हम स्पीड में हम गाड़ी चलाएंगे। नगर निगम अमृतसर ने अमृतसर च सिटी बस न चालू किया, बहुत बड़ा कदम सी, लोगों वो काफ़ी रिलीफ हुई। जिथे मनमाने दाम कुछ लोग प्राप्त करते सी उत्थे चीप बस जड़ी सी, लेकिन इत्थे अमृतसर च डेवलपमेंट्स के काम शुरू होए और उदे करके काफ़ी पोर्शन जड़ा अमृतसर दी रोड जड़ी है जिथे कि बसा चलदियां सी वो सारियां सड़कां पुट दित्तियां गईयां और उत्थे जड़ा सी बस सिटी बस जड़ी आ चलनी बंद हो गई। असी उस कंपनी वालियां नूं कहा जिन्हां नूं कि असी सिटी बस का काम दिता सी कि तुसी इहदे बदले जब तक कि नवा रूट्स कंप्लीट नहीं हो जांदियां तुसी नवे रूट लै के तो उत्थे अपनी बसां नूं चलाना शुरू करो, लेकिन वह बस वालियां ने अपनी मनमानी की और वह जिहड़ियां वीरका दी दिशा सी या दूजियां साइडां दे उत्ते बटाला रोड वगैरह सारे पासे बसां बंद करतियां। और दूसरा कारण यह भी सी कि जिन्हां लोगों नूं सिटी बस के नाल फाइनैंशियल लॉस हुंदा सी, वह चाहे मिनी बस वाले है चाहे 3-व्हीलर वाले ने, उन्होंने भी उन्होंने मुश्किल उन्होंने वास्ते खड़ियां कीतियां, जिसले भी वह खासे साइड वाल बसा लैके जाते तो बसा जरा नुकसान पहुँचाते और वो लगातार वो कंप्लेंट जी पुलिस को रजिस्टर्ड होंदिया रही हैं और बसा के अगे 3-व्हीलर खड़े कर देने ताकि बस जी चल ना सके, लेट चले तो सवारी जी है बसा छड़ के 3-व्हीलर लवे। काफ़ी असी इस काम नू मतलब कर रोकने वास्ते पुलिस नू कंप्लेंट्स करते रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जड़ा काम नहीं चल सकिया और बसा जी हैं वो सिटी बस की इस वे चल नहीं रहे, चलना बंद हो गई हैं। ऐसा है कि असी लगातार पुलिस नू शिकायत कर सकने हैं, कानून नू तो असी हाथ च लै नहीं सकते, तो ना साढ़े कोई ऐसा कानून है कि असी मतलब कारपोरेशन अपने तौर के उत्ते 3-व्हीलर नू बंद कर सकती है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजिशन है, पुलिस के हाथ ही है, लेकिन वो गलत बोलते ने। असी उन्हों का लगातार सहयोग करते रहे हैं, वो कंपनी जी है अपनी मनमानी के नाल चलती रही है। असी उन्हों बहुत देर तो 1 साल हो गया लगातार नोटिस देंदे आए हैं भी अगर तुसी ठीक ढंग नाल काम ना किया तो असी तुहाडे अगेंस्ट एक्शन लवेंगे। मैं आ रहा उस चीज़ से भी अगर तुसी नहीं करोगे तो असी तुहाडी अरनेस्ट मनी जब्त कर लेंगे, तुसी काम छड़ना छड़ दिओ, म्यूचुअली असी छुड़वा लैंदे हां। असी इहो ही बसा नू
लोकल तौर दे उत्ते अपने रूट बना के असी इन्हां नूं चला के लोगां नूं सुख सुविधा देवांगे। असी वाघा बॉर्डर दे उत्ते जिधर की बहुत सवारी रोज़ निकलती है उत्थे असी चलानी शुरू कर देंगे, लेकिन वो बेईमान कंपनी ने मतलब गल नहीं मनी, असी उन्हां दे अगेंस्ट एक्शन लैन लगे और उन्हां दी अर्नेस्ट मनी जब्त कर लांगे।